जीडीए के द्वारा कूड़ाघाट रामगढ़ ताल के किनारे ताल की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाकर खाली करवाया गया है, जिसके संबंध में जीडीए के मुख्य अभियंता कृष्ण सिंह ने बताया कि मंगलवार को हम लोगों ने तहसील की टीम के साथ सरकारी जमीन को चिन्हित किया था, जिस पर पाया कि रामगढ़ ताल के किनारे ताल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इससे पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट चलता था जिसको खाली करवाया गया था, लेकिन दोबारा इन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। इसके साथ ही मछली पालन करने वालों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिनको खाली करने के लिए पहले ही बताया गया था, लेकिन इन लोगों ने खाली नहीं किया था, जिसको खाली करवाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए के मुख्य अभियंता कृष्ण सिंह ने कहा, ये रामगढ़ ताल का एरिया की कल हम लोगों ने तहसील के लेखपाल वगैरह से चिन्हित कराई थी। सारी जमीन प्रशासन की जमीन है, हमारे ताल की जमीन है, और इस पर पूर्व में भी हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था। पहले इसमें यहाँ पर सिंह रेस्टोरेंट चला करता था, अभी दोबारा इन लोगों ने अतिक्रमण लिया था, आज दोबारा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और साइड में मछली पालन वाले भी हैं, इन लोगों को कोई पूर्व में सूचित कर दिया गया था, परंतु इनके द्वारा ये हटाया नहीं गया, तो आज हम लोग हटवा रहे हैं सारा। ये ताल की जमीन है सारी की सारी, इस पर कार्रवाई चल रही है। ये उनको पहले भी पूर्व में भी कार्रवाई करी थी, और पहले भी हम लोगों ने इन लोगों को कल भी सूचित किया था, पहले भी कुछ सूचित कर चुके हैं। किशन सिंह, प्रभारी मुख्यमंत्री, गोरखपुर विकास प्राधिकरण।